रहीम वालेकुम स्टूडेंट वेलकम टू अस्पायर ऑनलाइन क्लासेस मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर इरशाद इमरान आज हम लेक्चर नंबर 16 में डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 सबसे पहले हम इसके लर्निंग आउटकम्स की तरफ चलते हैं फर्स्ट लर्निंग आउटकम्स है केस नंबर टू यानी हमने इससे पहले केस नंबर वन डिस्कस कर चुके हैं तो अब हम केस नंबर टू डिस्कस करेंगे सेकेंड नंबर पर एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर एट नेक्स्ट हम कुछ एमसी डिस्कस करेंगे जो इसी लेक्चर से रेलिवेंट होगा फोर्थ नंबर पर असाइनमेंट्स करने होंगे आप लोगों को बेटा इसी एक्सरसाइज से रेलिवेंट जो भी कोई क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों ने घर में खुद सॉल्व करने होंगे केस नंबर टू रेजोलेशन ऑफ पीओ एक्स ओवर क्यूफ एक्स इन टू पार्शल फ्रैक्शन वेन क्यूफेक्स हैज रिपीटेड लीनियर फैक्टर यह रिपीटेड लीनियर फैक्टर क्या चीज है इससे पहले जो आप लोगों ने एक एक्सरसाइज की थी उसमें था नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे रिपीटेड लीनियर फैक्टर रिपीटेड लीनियर फैक्टर किस टाइप का होता है जस्ट लाइक like आप देख सकते हैं वन ओवर एक्स माइनस टू का होल स्केयर इन टू एक्स प्लस वन अगर आप इसको देख लें इस तरह भी लिख सकते हैं ओवर है आपके पास जो लीनियर फैक्टर है वो क्या हो रहा होगा रिपीट हो रहा होगा यानी उसकी पावर टू थ्री फोर इस टाइप के क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है रिजोल्व टू एक्स स्केर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर डिवाइड बाई एक्स माइनस वन का होल क्यूब इन टू फ्रैक्शन इसका सलूशन देख लेते हैं लेट एक्स माइनस वन का होल क्यूब मैंने इसको सबसे पहले पार्शियल फॉर्म में लिखा ए ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर एक्स माइनस वन का होल स्केयर प्लस सी ओवर एक्स माइनस वन का होल क्यूब यानी इसकी जितनी पावर होगी हम उसको उतने अल्फाबेट्स के नीचे लिखा करेंगे अगर इसकी पावर थ्री है तो हम इसको सी तक लिखेंगे अगर इसकी पावर टू होती तो हम बी तक लिखते हैं अगर इसकी पावर फोर होती तो हम इसके मजीद एक आगे डी तक लिखते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है कि ये प्रॉपर का क्वेश्चन है या इम प्रॉपर का क्वेश्चन है तो प्रॉपर और इम प्रॉपर का क्वेश्चन को चेक करने का जो तरीका कार है आप सबसे पहले देखें कि जो न्यूमिरेटर की जो डिग्री है डिग्री ऑफ न्यूमिरेटर वो आपको नजर आ रहा है टू और डिग्री ऑफ डी यानी डिवाइजर की डिग्री थ्री है अगर न्यूमिरेटर की डिग्री लेस हो डी की डिग्री से तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन ये आपके पास जो क्वेश्चन है ये किस चीज का है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन का इसको किस तरीके से मजीद आगे सॉल्व किया जाता है तो आपको तरीकाकार बता दें कि सबसे पहले आपने इस तमाम का एल्सियम लेना है तो और वो वो आपका क्या बनता है एक्स माइनस वन का होल क्यूब तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई एक्स माइनस वन का होल क्यूब वी गेट यानी कि आपने क्या करना है इसके एलसीएम से लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पर भी क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है तो आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर टू क्या बन जाते हैं कि आपने x -1 के होल क्यूब से लेफ्ट साइड जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस वन का होल क्यूब एक्स माइनस वन के होल क्यूब से कैंसिल आपके पास बच जाता है टू एक्स स्केर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन के होल क्यूब को ए के साथ रखें तो एक्स माइनस वन एक पावर को कैंसिल करेगा ए के साथ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इसी तरह प्लस बी x माइनस वन का होल क्यूब साथ रखें तो x माइनस वन का होल क्यूब इसके स्केयर से कैंसिल हो जाएगा जाएगा तो b के के साथ आ जाएगा, x x x c ये c कैसे आया था? X -1 का होल होल क्यूब क्यूब जब x के whole cube से कैंसिल हो जाता है तो जस्ट आपके पास c बचता है नेक्स्ट हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर a के नीचे आप लोगों को तमाम स्टूडेंट्स को नजर आ रहा है कि लीनियर फैक्टर है ओनली लीनियर फैक्टर इसको हम क्या करेंगे जीरो मेथड की मदद से सॉल्व करेंगे तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है पुट कर दिया एक्स माइनस वन को जीरो के इक्वल से X की ये X की वैल्यू वैल्यू आप लोगों ने इक्वेशन नंबर टू में क्या कर देने पुट कर देने लेफ्ट साइड पर भी एक्स की जगह और राइट right साइड पर भी आपने एक्स की जगह पुट करने वैल्यू तो जब आप पुट करते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने हर जगह एक्स की जगह लेफ्ट साइड पर भी और राइट right साइड पर यह वैल्यू पुट कर दी प्लस का वन और माइनस का वन कैंसिल प्लस का वन और माइनस का वन कैंसिल ये आपका जीरो हो जाएगा ये भी आपका जीरो हो जाएगा अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पर टू माइनस थ्री प्लस फोर क्योंकि वन का स्केयर वन ही होता है वन जब टू से मल्टीप्लाई हो तो टू टू माइनस थ्री प्लस फोर इज इक्वल टू ए वाले भी टर्म जीरो बी वाले भी टर्म जीरो और सी एज इट इज नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि सी की वैल्यू क्या बच गई थ्री यहां से सी रह जाता है और यहां से टू प्लस फोर सिक्स सिक्स में से थ्री लेफ्ट करें तो थ्री ये आप लोग के पास सी की वैल्यूज है नेक्स्ट आप देख सकते हैं रीअरेंज क्योंकि इसके अलावा हम कोई जीरो मेथड से वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते तो अब हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर टू को क्या करेंगे रीअरेंज करेंगे ताकि हम क्वेश्चन से यानी कि उसकी इक्वेशन से हम कंपेयर कर सकें कि एक्स क्यूब वाली टर्म एक्स स्केयर वाली टर्म x वाली टर्म और कांस्टेंट वैल्यूज को कंपैरिजन कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट तो सबसे पहले रीअरेंज किया मैंने इक्वेशन नंबर टू को लेफ्ट साइड पे टू एक्स स्केयर माइनस प्लस फोर एज इट इज अब आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया ए के साथ जो भी टर्म लिखी हुई थी मैंने उसका फार्मूला ओपन कर दिया प्लस b को मैंने उसे मल्टीप्लाई कर दिया bx एक्स माइनस बी प्लस सी यानी इक्वेशन नंबर टू को मैंने क्या किया है अरेंज किया है मजीद आप स्टेप देख सकते हैं टू एक्सरसोर लेफ्ट साइड वाली टर्म एज इट इज a को मैंने से मल्टीप्लाई किया एक्सर ए को प्लस वन से किया तो a और a को माइनस किया तो माइनस का टू ए एक्स बी एक्स माइनस बी और प्लस सी एज इट इज नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं टू एक्स इट इज है राइट साइड पर मैंने क्या किया है कि एक्सकेयर वाली टर्म अलग एक्स वाली टर्म ये देखें और ये देखें। ये देखें दोनों X वाली टर्म है 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 तो मैंने क्या किया पॉजिटिव पहले और minus और का ब्रैकेट में बाहर इसके बाद जितने भी कांस्टेंट्स वैल्यू आप चाहें तो इसको यूं भी लिख सकते हैं है. क्या लिखा है कंपेयरिंग ऑफ एक्सकेयर एंड एक्स यानी जिनको कंपेयर करना है मैंने लेफ्ट साइड से टू राइट साइड आप कंपैरिजन का मेथड देख लें कि यहां पर का काफिशियंट ए है और यहां पर एक्सकेयर का कॉफिशियंट क्या है टू है तो ए किस चीज के बराबर होगा टू के बराबर होगा तो आप देख सकते हैं A इसी तरह हम नेक्स्ट आप स्टेप में देख लें कि एक्स के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है वो है बी माइनस टू ए और यहां पर एक्स के साथ क्या चीज टर्म लिखे हुए माइनस थ्री अगर आप इसका कंपेयर करें एक्स के लिहाज से तो आप देख सकते हैं इस स्टेप में माइनस थ्री किसके बराबर है बी माइनस टू ए यहां पर आप ए की वैल्यू पुट कर दें ए की वैल्यू आप लोगों को पता है किसके बराबर थी टू के मैंने की जगह रिप्लेस कर दिया अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो बी की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं माइनस टू को टू से मल्टीप्लाई करें माइनस का फोर ये माइनस का फोर है वो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का फोर तो बी इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस फोर एंड बी इज इक्वल टू क्या है वन तो यहां से आप लोगों को किसकी वैल्यू मिलगी बी की वैल्यू आपको ए की वैल्यू भी मिलगी बी की वैल्यू भी मिलगी और सी की वैल्यू भी यही तीन अन फिशेंट या आप कह सकते हैं कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं यहां पर यही तीनों कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं ये तीनों की तीनों कॉन्स्टेंट वैल्यू ए बी और सी ये तीनों की तीनों वैल्यू आप इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दें पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर वन ये वैल्यू तीनों आप जब इक्वेशन नंबर वन में पुट करते हैं ए की जगह आप टू रिप्लेस कर दें बी की जगह आप, आप लोगों ने वन रिप्लेस कर दिया और सी की जगह आप लोगों ने थ्री रिप्लेस कर दिया तो ये आप लोगों के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है रिजोल्व फोर एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वन का होल स्केयर इंटू एक्स माइनस वन इंटू पार्शियल फ्रैक्शन लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें सिर्फ एक ही नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर था यहां पर रिपीटेड फैक्टर भी है साथ कोई अनदर फैक्टर भी मौजूद है तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका का इसका सोल्यूशन हम देख सकते हैं लेट कर लिया मैंने ये क्वेश्चन कंसिडर कर लिया फोर एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वन का होल स्केयर इन टू एक्स माइनस वन इसको पार्शियल फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है आप देख सकते हैं x प्लस वन जो है इसकी पावर टू है तो इसको मैं टू टाइम्स रिपीट करूंगा ए के नीचे भी x प्लस वन और बी के नीचे x प्लस वन का होल स्केयर प्लस सी ये फैक्टर है तो वो उसको सी के नीचे लिखा जाएगा तो सी के नीचे क्या आ गया एक्स माइनस वन इसे मैंने इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दिया नेक्स्ट स्टेप आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था इन तीनों का एलसीएम जो है वो आप लोगों को पता है यही चीज बनती है यही इसका एलसीएम है एक्स प्लस का होल स्केयर इंटू एक्स

तो अगर आप ए के साथ वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो एक्स प्लस को कैंसिल करता है तो ए के साथ साथ बचता है के के अगर replace करें, तो का से कैंसिल हो जाता है तो बी के साथ सिर्फ आपके पास वैल्यू बचती है एक्स माइनस वन और अगर प्लस सी के साथ अगर आप एलसीएम रखें तो आप देख सकते हैं एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन से कैंसिल सी के साथ एक्स प्लस वन का होल स्केयर बचता है आपकी इक्वेशन नंबर टू अब आप सबसे पहले जीरो मेथड की वजह से दो वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं देखिए ए के नीचे भी एक लीनियर फैक्टर मौजूद है और सी के नीचे भी एक लीनियर फैक्टर मौजूद है तो मैं क्या करूंगा आप देख सकते हैं ए के नीचे जो लीनियर फैक्टर वो एक्स प्लस वन है एक्स प्लस वन को जीरो के इक्वल रखें तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या मिल जाती है माइनस वन ये आपने कहा पुट करना है इक्वेशन नंबर टू के अंदर अगर आपने पुट करना है तो अगर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर भी मैंने एक्स की जगह वैल्यू स्पुट है और राइट साइड पर भी एक्स की जगह वैल्यू रिप्लेस की है जो कैंसिल होते हैं उसे कट कर दें आप देख सकते हैं कि माइनस वन और प्लस वन कैंसल यहाँ पे भी माइनस वन और प्लस वन कैंसल ये जीरो जीरो का स्केयर भी जीरो भी जीरो होने की वजह से ये टर्म भी जीरो और ये टर्म भी जीरो तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट में ये माइनस का फोर बच जाता तो है और यहां पे माइनस का टू भी बाकी दोनों वैल्यू जीरो हो गए नेक्स्ट क्स्ट में आप देख सकते हैं माइनस फोर किसके बराबर है माइनस टू भी और नेक्स्ट में मैंने 2 को 4 से डिवाइड कर दिया माइनस फोर और माइनस टू जब यह कैंसल टू ने फोर को कैंसिल किया टू तो आपको बी की वैल्यू आपको क्या मिल जाती है टू आपको फर्स्ट अन वैल्यू मिल चुकी है बी इज इक्वल टू टू नेक्स्ट स्टेप में आप देखें मैंने क्या किया है सी के नीचे एक लीनियर फैक्टर है वो और वो फैक्टर क्या है एक्स माइनस वन तो उसको भी मैंने जीरो के एक बार रखा यहां से एक्स की वैल्यू क्या मिलती है वन लेफ्ट साइड पर भी और राइट right साइड पर भी इक्वेशन नंबर के आप पुट कर दें तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर अगर अगर आप आप वैल्यूज पुट करते हैं तो one, और राइट right साइड पर अगर आप X की जगह वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यूज कैंसिल हो जाती है टर्म जीरो यहां से ये वैल्यू कैंसिल होती है बी वाली टर्म कैंसिल तो यहां पर वैल्यू जीरो बन जाती है यहां पे जस्ट सिर्फ वैल्यू बचती है वो सी की वैल्यू बचेगी तो आप देख सकते हैं राइट साइड पर फोर बनता है लेफ्ट साइड पर ये भी

इसके बाद रीअरेंज क्योंकि आप जीरो मेथड से, तो हाँ से आप क्या करेंगे रीअरेंज करने का तरीका कार यह है कि लेफ्ट साइड को भी सिंप्लीफाई करना होता है और राइट साइड को भी सिंप्लीफाई करना होता है तो फोर एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्केयर माइनस वन एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन को मल्टीप्लाई करें तो एक्सकेर माइनस वन बी एक्स माइनस बी यानी बी को मैंने उसके साथ के साथ रिप्लेस कर दिया बी एक्स माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन का होल स्केयर था तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया यानी फार्मूला आप जानते हैं प्लस बी का होल स्केयर किसके बराबर है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी वो सिंप्लीफाई किया लेफ्ट साइड पर फोर एक्स बचेगा राइट right साइड पर मैंने ए को एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो ए एक्स स्केयर और ए को माइनस वन से करें तो माइनस ए इसी तरह आप देख सकते हैं बी एक्स एज इट इज ये माइनस का बी एज सी कोशन क्या है वो आप देख सकते हैं फोर एक्स लेफ्ट साइड पे इसी तरह एक्सकेयर वाली टर्म अलग कर ले x ली टर्म अलग कर लें और कॉन्स्टेंट वैल्यूज टर्म अलग कर ले अब आप देख सकते हैं एक्सकेयर के साथ है ए प्लस सी एक्स के साथ है बी प्लस टू सी ये तमाम के तमाम वैल्यूज ये है ये कॉन्स्टेंट वैल्यूज है आप देख सकते हैं इसका कंपेयर करेंगे हम लेफ्ट टू राइट तो आप कंपेयरिंग द कॉफिशियंट ऑफ एक्सकेर सिर्फ हम एक्सकेर से कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले हमें दो वैल्यूज मिल चुकी है वो आप देख सकते हैं एक्सकेर का ए प्लस सी और उस साइड पर लेफ्ट साइड पर एक्सकेर का आप देख सकते हैं क्या किया सी कि की वैल्यू आप लोगों को पहले ही मालूम है जो आप पहले ही जीरो मैथड की मदद से वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हो तो सी की जगह आप उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे प्लस का वन है उस तरफ जाके क्या बन जाएगा माइनस का वन तो ए की वैल्यू आपको क्या मिलगी माइनस का वन ये तमाम की तमाम वैल्यूज आपने इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देनी है पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर वन तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर एज इट इज फोर एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वन का होल स्केयर इंटू एक्स माइनस वन मैंने एक जगह वैल्यू रिप्लेस की माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन बी की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी टू टू ओवर एक्स प्लस वन का होल और सी की वैल्यू भी वन थी तो मैंने सी की वैल्यू भी रिप्लेस कर दी वन ओवर एक्स माइनस वन ये आपका जो क्वेश्चन है ना, ये प्रॉपर का क्वेश्चन था और उसका सोल्यूशन है एक्सरसाइज फाइव पॉइंट टू का बैनदर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिजोल्व एक्स स्केयर ओवर एक्स माइनस वन का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस वन इंटू पार्शल फ्रैक्शन तो सबसे पहले हम इस चीज को कंसीडर कर लेते हैं लेट कर लेर ओवर एक्स माइनस वन का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए के नीचे आप देख सकते हैं कि ये तमाम के तमाम लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहे हैं तो मैंने ए के नीचे एक्स माइनस वन प्लस बी के नीचे एक्स माइनस वन का होल स्केयर और सी के नीचे एक्स माइनस वन का होल क्यूब ए के नीचे एक्स माइनस वन B के नीचे एक्स माइनस वन का होल क्यूब प्लस डी के नीचे का का आप नाम दे दें आपने लेफ्ट साइड पर भी और राइट right साइड पर इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं कि अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो जस्ट एक्स स्केर बचता है क्योंकि वो एलसीएम इसके इस वैल्यूज को कैंसिल कर देता है क्वल टू ए के साथ अगर आप इस एल्सियम को रखें तो आपके पास बचता है X -1 into X plus 1, plus के साथ अगर आप इस LCM को जस्ट एक्स प्लस वन बचता है और डी के साथ इस एल्सियम को रखें तो बाकी आपके पास वैल्यू बचती है एक्स माइनस वन का होल क्यूब आप इसको नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि मैंने जीरो मेथड की मदद से कुछ वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं क्योंकि ए के नीचे भी लीनियर फैक्टर है और डी के नीचे भी सिर्फ लीनियर फैक्टर है जो रिपीट भी नहीं हो रहे तो ए के नीचे वन मैंने एक्स माइनस वन को जीरो रख लिया यहां से एक्स की वैल्यू क्या मिलती है वन ये लेफ्ट साइड पर भी पुट करें और राइट right साइड पर भी पुट करें लेफ्ट साइड पर पुट करें तो आप देख सकते हैं एक्स की जगह मैंने वन रिप्लेस किया है और राइट right साइड पर भी, भी जहां जहां आपको एक्स नजर आ रहा है वहां पर आप लोगों ने वन रिप्लेस करना है तो आप देख सकते हैं जो कैंसिल हो रहे हैं उसमें ये चीज कैंसिल हो रही है ये जीरो हो जाएगी यहां से ये आप देख सकते हैं ये भी कैंसिल हो रही है ये भी जीरो हो जाएगी और ए वाली टर्म में भी ये कैंसिल हो रही है ये भी जीरो हो जाएगी तो आपको यहां से वैल्यू जो मिलते हैं लेफ्ट साइड पर वन और राइट right साइड पर तमाम जीरो हो जाते हैं सिर्फ सी वाली वैल्यू क्या बनती है टू सी तो आप लिख सकते हैं वन इज इक्वल टू टू सी एंड सी इज इक्वल टू वन बाई टू एक आपको अननाउन वैल्यू मिल चुकी है नेक्स्ट आप देख सकते हैं पुट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो टू माइनस वन ये एक्स की वैल्यू आप लोगों ने इक्वेशन टू में लेफ्ट साइड पर भी और राइट right साइड पर भी आप लोगों ने पुट करना है तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर मैंने एक्स की जगह माइनस वन रिप्लेस किया है माइनस वन का होल्स किया राइट right साइड पर भी जहां जहां आपको एक्स नजर आ रहा है वहां पर भी आप लोगों ने माइनस वन रिप्लेस करना है जो वैल्यूज कैंसिल होती है उसे कट कर दें तो आप देख सकते हैं माइनस वन और प्लस वन कैंसल ये जीरो माइनस वन और प्लस वन कैंसिल ये जीरो माइनस वन प्लस वन ये कैंसिल ये जीरो आपके पास डी के वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही तो आप देख सकते हैं माइनस वन का स्केयर आप जानते हैं वन के बराबर होता है बाकी तमाम वैल्यू जीरो होगी डी की वैल्यू क्या बन माइनस टू का होल क्यूब नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं ये तमाम वैल्यू जीरो माइनस टू का क्यूब माइनस एट होता है तो इसलिए ये क्या बन गया माइनस का एट डी नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया डीज इक्वल टू तो माइनस वन बाई एट माइनस एट इधर मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पर जाके वो क्या हो जाएगा डिवाइड तो ये आप लोग को एक डी इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एट बाकी वैल्यूज निकालने के लिए आपको इक्वेशन नंबर टू को रीअरेंज करना होगा रीअरेंज करें क्वेश्चन नंबर टू को तो लेफ्ट साइड पर तो एक्स है राइट right साइड पर आप तमाम वैल्यूज को ओपन कर दें जिनके फार्मूले ओपन होते हैं उन्हें फार्मूले ओपन कर दें आप देख सकते हैं ए इंटू एक्सर माइनस टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन मैंने क्या किया एक्स माइनस वन का यहां पे फार्मूला ओपन कर दिया प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन जब मल्टीप्लाई हो तो ये क्या बन जाता है बी इंटू एक्स स्केयर माइनस वन प्लस सी एक्स प्लस सी सी की वैल्यू से आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया प्लस डी इधर था x का होल मैंने इसका फार्मूला ओपन किया तो देख लें मैंने एकस थी एकस थी एकस वन। अब मैंने में क्या करना है कि इन्हें मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देख सकते हैं ए एज इट इज एक्स केयर को पहले इन दोनों वैल्यू से किया तो एक्स क्यू प्लस एक्स स्केर माइनस टू एक्स को जब अगर एक्स और वन से मल्टीप्लाई करें तो माइनस टू एक्स केयर और माइनस टू एक्स और प्लस वन को एक्स और वन से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का एक्स और प्लस का वन डी एक्स और माइनस बी एज इट इज सी एक्स प्लस सी एज इट इज डी को इन चारों वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो डी एक्स क्यूब माइनस थ्री डी एक्स स्केयर प्लस थ्री डी एक्स और माइनस का डी नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड एक्स एज इट इज राइट साइड पर ए एज इट इज यहां पर मैंने सिंप्लीफाई किया एक्स क्यूब एज इट इज ये प्लस का एक्स केयर और ये माइनस का टू एक्स तो बाकी आपके पास बचता है माइनस का एक्स माइनस का टू एक्स प्लस का एक्स ये माइनस का एक्स बचता है प्लस का वन एज इट इज बी एक्स स्केयर माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस सी मैंने क्या किया बी एक्सर एज इट इज माइनस बी एज इट इज सी एक्स एज इट इज और सी डी एक्स क्यू माइनस थ्री डी एक्स स्यर प्लस थ्री डी एक्स और माइनस ये तमाम की तमाम वैल्यू एज इट इज नेक्स्ट स्टेप में मैंने ए के साथ ये चारों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये मल्टीप्लाई ए एक्स क्यू माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बाकी तमाम वैल्यूज एज इट इज नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि एक्स क्यूब वाले कॉफिशियंट अलग एक्स केर वाले कॉफिशियंट अलग एक्स वाले कॉफिशियंट अलग और कॉन्स्टेंट सेपरेट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये भी एक्स क्यूब है यहां पर भी ये एक्स क्यूब है तो मैंने एक्स क्यूब को सेपरेट कर लिया ए प्लस डी एक ब्रैकेट में नेक्स्ट टाइप में आप देख सकते हैं ये भी स्केयेयर वाली टर्म ये भी स्केयर वाली टर्म और ये भी स्केयर वाली टर्म है मैंने तमाम स्केर वाली टर्म को एक ब्रैकेट में लिख लिया नेक्स्ट टाइप में आप देख सकते हैं कि मैंने ये भी एक्स वाली टर्म है ये भी एक्स वाली टर्म है और ये भी एक्स वाली टर्म है एक्स वाली टर्म को एक ब्रैकेट में लिख लिया बाकी तमाम कॉन्स्टेंट एक साइड पर नेक्स्ट स्टेप है कंपेयरिंग द दफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्सकेर दो चीजों से कंपेयर इसलिए कर रहे हैं कि हमें दो वैल्यूज पहले मिल चुके हैं तो एक्स क्यूब से अगर आप कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं ए प्लस डी किसके बराबर है राइट साइड एक्स क्यूब का ए प्लस डी और लेफ्ट साइड पर एक्स क्यूब का कॉफिशियंट ही नहीं है तो इसलिए मैंने जीरो कंसिडर किया है यहां पर आप वैल्यू स्पिट कर दें डी क्योंकि डी की वैल्यू आपके पास पहले से मौजूद है माइनस वन बाई एट जो आपने जीरो मेथड की मदद से कैलकुलेट कर लिया ये माइनस का वन बाई एट उस तरफ जाएगा तो ये बन जाता है प्लस का वन ओवर एट तो ए की वैल्यू आपको क्या मिलगी वन बाई एट नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं वन इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी माइनस थ्री डी यहां पर मैंने जो कंपेयर किया वो का काफिशियंट कंपेयर किया कॉफिशंट ऑफ एक्सकेयर तो आप देख सकते हैं हमारे पास ए की वैल्यू भी है और डी की वैल्यू भी ए की वैल्यू मैंने देखे रिप्लेस किया माइनस एज इट इज ए की वैल्यू वन बाई एट प्लस बी माइनस का थ्री डी की जगह मैंने उसकी वैल्यू ये आपको नजर आ रही है माइनस का वन ओवर एट वो मैंने रिप्लेस किया मजीद सिंप्लीफाई करें तो वन इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एट प्लस बी प्लस थ्री ओवर एट नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया माइनस का वन बाई एट लेफ्ट साइड पर जाके प्लस का वन बाई एट प्लस का थ्री बाय उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का थ्री बाई एट अगर आप इसको सिंपलीफाई करें तो आप देख सकते हैं इनका एल्सियम एट बनता है एट वन जर एट अगर आपको राइट राइट साइड पर मैं इधर सॉल्व करके दिखा दूं कि इनका एल्सियम एट बनता है यहां पर एट प्लस वन माइनस थ्री इज इक्वल टू बी मजीद सिंप्लीफाई करें तो एट प्लस वन नाइन नाइन में से थ्री लेफ्ट करें तो सिक्स ओवर एट वो आप देख सकते हैं कि बी के वैल्यू सिक्स ओवर एट और इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है ये भी टू के टेबल से कैंसिल ये भी टू के ये थ्री आ जाएगा और ये फोर तो थ्री ओवर फोर एक अनदर अननाउन कांस्टेंट वैल्यूज मिल गए आपको बी इज़ इक्वल टू थ्री बाई एट ये तमाम की तमाम वैल्यू ए बी सी और डी ये चारों की चारों वैल्यूज आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर वन में रिप्लेस कर देना है तो आप लेफ्ट साइड एज इट इज़ रहेगा और राइट right साइड पर मैंने ए की जगह रिप्लेस किया वन ओवर एट प्लस बी की जगह रिप्लेस किया थ्री ओवर फोर प्लस सी की जगह रिप्लेस किया मैंने वन ओवर टू और डी की जगह रिप्लेस किया मैंने माइनस वन ओवर एट का आंसर है नेक्स्ट हम कुछ एमसी डिस्कस कर लेते हैं जो इस एक्सरसाइज के रेलिवेंट होगा इस टॉपिक के ही रेलिवेंट हो फर्स्ट एमसी क्यूज है पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ वन ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स केयर माइनस वन विल बी ऑफ द फॉर्म यानी में पूछा जा रहा है कि आप इस चीज को पार्शियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं तो ऑप्शन देख सकते हैं ए ऑप्शन है ए ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई एक्सकेर माइनस वन बी ऑप्शन है ए ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी ओवर एक्स प्लस वन का होल केयर प्लस सी ओवर एक्स माइनस वन नेक्स्ट टाइम में आप देख सकते हैं सी की जगह क्या आएगा ए ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी ओवर एक्स प्लस वन का होल स्केयर माइनस सी ओवर एक्स माइनस वन और डी ऑप्शन है ए ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स प्लस वन का होल स्केर अब ये जो टॉपिक है वो है रिपीटेड लेनियर फैक्टर सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कोशिश करें आप इस एमसी को सिंप्लीफाई कर ले वन ओवर एक्स प्लस वन इन एक्स स्केर माइनस वन अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो यह देख सकते हैं एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन आप देख सकते हैं कि वन ओवर एक्स प्लस वन का ये बन गया होल स्केयर इंटू एक्स माइनस वन अब एक्स प्लस वन रिपीट हो रहा है तो ये टॉपिक बना रिपीटेड लेनियर फैक्टर का अब आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन ए ठीक नहीं है क्योंकि इसके अंदर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म वाली फॉर्म बन रही है ऑप्शन डी भी ठीक नहीं है क्योंकि इसमें भी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनी क्योंकि ये लीनियर रिपीटेड वाली फॉर्म बनी नहीं रही लीनियर वाले में क्या होता है हम ए बी सी और डी वगैरह के वैल्यूज के नीचे लिखते हैं अब देख सकते हैं बी और सी ऑप्शन में अब बी और सी ऑप्शन में सी के अंदर नेगेटिव का साइन आ रहा है पार्शियल फॉर्म में हम नेगेटिव फॉर्म में नहीं लिखते हम सम की फॉर्म में यानी कि प्लस की फॉर्म में लिखते हैं तो सिर्फ इसका वायद एक ही आंसर बन सकता है और वो है बी आंसर वो आप देख सकते हैं एक्सप्ल है, तो ए एक के नीचे तो इसका है आंसर है। की तरफ चलते हैं एमसीक्यूज नंबर टू है एक्स स्केयर प्लस वन ओवर क्यूफे फ्रैक्शन इफ डिग्री ऑफ इक्वल यानी प्रॉपर फ्रैक्शन कब होगा क्यूफेक्स की डिग्री के बारे में पूछा जा रहा है तो क्यूफेक्स से पहले मैं आपको यह बता दू प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसमें न्यूमिरेटर की डिग्री डिग्री ऑफ न्यूमिरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर यानी न्यूमिरेटर की डिग्री हमेशा कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर की डिग्री से तो आप ऑप्शन देख लें इसके ऑप्शन ए है वन ऑप्शन बी है टू ऑप्शन सी है थ्री एंड ऑप्शन डी क्या है जीरो इसको हम दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि इसमें क्यू ऑफ एक्स की पावर ज्यादा होनी चाहिए ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं तो इसमें आपको नजर आ रहा है कि ऑप्शन सी इसमें सबसे ज्यादा डिग्री इसमें ऑप्शन थ्री में है क्यू ऑफ एक्स की पावर अगर थ्री हो गए तो इसलिए ये क्या होगा प्रॉपर फ्रैक्शन नेक्स्ट है थर्ड एमसी क्यूज एक्सर प्लस एक्स माइनस वन ओवर क्यू ऑफ एक्स विल बी इन प्रॉपर फ्रैक्शन इफ ऑप्शन ए डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स बराबर है टू ऑप्शन बी डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स बराबर है थ्री डिग्री ऑफ क्यूफ बी डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स बराबर है इट्स मतलब मीन कि आपके पास न्यूमिनेटर की डिग्री हमेशा या तो ज्यादा हो या डी नोम की डिग्री से बराबर हो तो यहां पर क्यू ऑफ एक्स की डिग्री क्या होनी चाहिए कि ये इमप्रॉपर फ्रैक्शन बन जाए तो इसमें एक ही आंसर बन सकता है डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स अगर टू के बराबर होगी यानी क्यू ऑफ एक्स की डिग्री अगर टू है तो तब ही ये इम प्रॉपर क्योंकि थ्री होगी तो ये क्या बन जाएगा प्रॉपर फोर होगे तो तब भी प्रॉपर और फाइव होगे तो तब भी ये क्या होगा प्रॉपर फ्रैक्शन पर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्वेश्चन था तो इस लिहाज से इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए नेक्स्ट है कि कुछ असाइनमेंट्स मैंने आपको कहा था स्टार्ट में कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस इस तरह के करने पड़ेंगे तो असाइनमेंट्स में मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जांपल नंबर वन लिख के दे दी है x x x का fraction, इसको पार्शियल फॉर्म में सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर फोर एक्सरसाइज का सोल्व करना है दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने असाइनमेंट में सोल्व करना है अल्लाह